हमारे लास्ट लेक्चर में हम एचसीवी डिस्कस कर रहे थे, हमने पूरी पूरी एचसीवी डिस्कस कर दी थी। आखिरी के कुछ दो या तीन सवाल बचे हुए थे, मैं उन्हें डिस्कस जरूर करवा देता हूं पहले। एंड अच्छे प्रॉब्लम से यह तीनों मैं करा रहा था। आई थिंक 62, 63, 64 मैं 62nd प्रॉब्लम को सबसे पहले कराऊंगा, फिर 63, देन 64th। 62nd प्रॉब्लम हमने एक बार देख लिया था, मगर फिर भी हम एक बार और 62nd प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर 63, 64, और इसके बाद जो स्टडी पैकेज मैंने दे रखा है उसके डाउट्स आप लोग फटाफट कहिएगा। 62nd प्रॉब्लम को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। दिस इज द फिगर, इस तरह का एक फिगर दे रखा है। सर्कुलर ट्रैक लाइक दिस ऑफ इस तरह से थीटा एंगल का एक इंक्लाइन प्लेन, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर दे रखा है और इस इंक्लाइन ट्रैक का लेंथ एल दे रखा है। हियर वी हैव गॉट अ पार्टिकल, this is a figure show a smooth track which consists of straight inclined plane of length L joining smoothly with a circular part. The particle of mass M is projected up the inclined plane. This particle is having mass M. It's projected up. Find the minimum projection speed V0 for which particle reaches the top. Iski minimum speed V0 kya ho? So that it reaches the top for assuming the projection speed is 2V0 and that block does not lose the contact with track before reaching its top. Find the force acting on it when it reaches the top. Assuming that projection speed is only slightly greater than V0, where will the block lose the contact? मैं इस problem को पहले समझाऊंगा। This is the situation. A circular track having radius r और इससे बिल्कुल smoothly connected एक inclined plane which is at an angle of theta. इसके bottom में एक particle है। इस पार्टिकल को V0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया। नाउ द कंडीशन ऑफ V0 सो दैट इट रीचेस द टॉप। तो सबसे पहले हम यह जो टॉप है इसकी हाइट को समझेंगे, और इसकी हाइट को समझने के लिए हम कहेंगे स्ट्रेट इंक्लाइन जो है यह तो लेंथ L का है, और टॉप की जो हाइट है डेफिनेटली इस जगह पर वी नीड टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये इंक्लाइन प्लेन की लेंथ L, और यहां से यहां तक यह हाइट, इफ दिस इज लेंथ L देन दिस हाइट H फ्रॉम हियर टू हियर वुड बी L साइन थीटा। दिस इज L साइन थीटा। इस L sin थीटा हाइट रेस होने के बाद फर्दर इस पार्टिकल को इधर से इधर रेस होना है, इधर तक आना है अल्टीमेटली पार्टिकल को, एंड दिस फर्दर हाइट फ्रॉम हियर टू हियर वी नीड टू अकाउंट फॉर दिस हाइट एज वेल। दिस टोटल इज R, और ट्रिग्नोमेट्री से हम यह प्रूव कर देंगे कि यह एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस आर कॉस थीटा, सो दिस इज आर माइनस आर कॉस थीटा, सो दिस कंप्लीट हाइट एच, यह जो हाइट एच है जिससे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, this height h is equal to
L sin theta plus R minus R cos theta. This is the complete height H. Now, as that asks us, what is the minimum velocity V naught for which this particle just reaches the top? For to part A, for just reaching the top, हम कहते हैं इस पॉइंट पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो कह देंगे और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी को जीरो कह देंगे. इस पॉइंट पर पार्टिकल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, जबकि टॉप पर पहुंचने के बाद उसके पास सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. हम कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर जस्ट रीचिंग द टॉप. हमने इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कह दिया, रेफरेंस इसको मान लिया, और इसकी पोटेंशियल फाइनली काइनेटिक एनर्जी को जीरो कह दिया. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी इनटू एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा. इस तरह से पार्ट ए के आंसर में वेलोसिटी वी नॉट आ गया 2g इनटू L sin theta plus R minus R cos theta and under root of this. This is the part A. अब इसके बाद part B में उन्होंने कहा है, assuming that projection speed is 2V naught, then block does not lose contact with the track before reaching the top. Find the force acting on it when it reaches the top. पार्ट बी में उन्होंने कहा है इफ वी इज इक्वल टू 2V naught मीन्स 2 times under root 2g इंटू एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा, दिस इज द वेलोसिटी. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर उस पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा? अब ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे यदि इनिशियली वेलोसिटी 2V naught है तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी उसके पास ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में टॉप पर पहुंचकर उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वेलोसिटी होगी और वह फाइनाइट वेलोसिटी हम इसी समय निकालते हैं. उस वेलोसिटी को निकालने के लिए वंस अगेन हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा. अब एनर्जी कंजर्वेशन हम कैसे लगाएंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इधर हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी को जीरो कहा था क्योंकि जस्ट टॉप पर पहुंचने की कंडीशन सोचनी थी. इस बार फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, वह फाइनाइट होगी क्योंकि इनिशियली कुछ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी. हम कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम V dash square is the final kinetic energy. अब मैं कैसे इसे लिखूंगा? Half m तो throughout काट दूं, hardly matter. Half V square half जब मैं करूंगा तो यह काम दिखने लगेगा मुझे. V स्क्वायर कर रहा हूं तो स्क्वायर 2 times इसका स्क्वायर होगा 4 into this और एक 2 कैंसल्ड तो 2 into 4 जी इंटू एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू gh. GH की जगह पर यही टर्म, MGH की जगह पर
G into H. This is height H. G into L sin theta plus R minus R cos theta. Plus half V dash square. From here we will get the value of V dash. Yah term idhar aakar subtract ho gaya 3GL. V dash square comes out to be 6G into L sin theta plus R minus R cos theta. This is V dash square. Ab topmost point par pahunch kar hum kehte hain ki waha circular motion mein aa jayega. इधर उसकी वेलोसिटी v डैश हो गई है और इसके ऊपर एक mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में. डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स के अलावा m v डैश स्क्वायर बाय r और एक नॉर्मल रिएक्शन. हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू mg माइनस m v dash square by r. टॉपमोस्ट पॉइंट पर यहां नॉर्मल रिएक्शन लगने लगेगा. तो दिस नॉर्मल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू mg माइनस दिस टर्म m v dash square by r, m by r into 6 g into l sin theta plus r minus r cos theta. This would be the normal reaction on the topmost point. Ab iske baad jo third part pucha hai, assuming that projection speed is only slightly greater than v naught, where the block will lose the contact with the track. अब यह पार्ट इतना करने के बाद अब तीसरा पार्ट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट लूज करने की कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है. कॉन्टैक्ट लूज करने की यह कंडीशन होती है सर्कुलर ट्रैक से यह पार्टिकल किसी इस जगह पर कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा. यह एंगल अल्फा होगा. कॉन्टैक्ट लूज तब करेगा जब इस जगह पर इसकी कुछ वेलोसिटी v डबल डैश mg, ये हुआ mg साइन अल्फा और यह हुआ mg कॉस अल्फा और इधर हुआ m v डबल डैश स्क्वायर बाय r. नॉर्मल रिएक्शन जीरो. इट लूज कॉन्टैक्ट इफ नॉर्मल रिएक्शन बिकम जीरो एंड एम वी डबल डैश स्क्वायर अपॉन आर बिकम्स इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा. और एनर्जी कंजर्वेशन से हम v डबल डैश स्क्वायर डिटरमाइन कर देंगे. एनर्जी कंजर्वेशन से हम v डबल डैश स्क्वायर डिटरमाइन कर देंगे. इनिशियल एनर्जी हम हाफ एम वी स्क्वायर यहां ही लेंगे और एम जी एच और इस पॉइंट पर हम हाइट देख लेंगे और v डबल डैश निकाल के फिर इससे वह एंगल अल्फा लिख देंगे जिस पॉइंट पर वह कॉन्टैक्ट लूज करेगा. सिक्सटी सेकेंड प्रॉब्लम इस तरह से करा जाना चाहिए. सिक्सटी थर्ड इसी समय करेंगे. ध्यान से सिक्सटी थर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा लो.
In the 63rd problem, this is that we have got a smooth sphere of radius r and there is a chain of length L. There is a chain of length L and the mass, the mass of the chain is m and it lies on the surface of a smooth sphere. One of its end is tied at the top of the sphere and one of its end is tied at the top of the sphere. Find the gravitational potential energy of the chain with reference frame at the center of the sphere. Suppose the chain is released and slide down the sphere. Find kinetic energy of the chain when it had slid through an angle of theta. Find the tangential acceleration dv by dt of the chain when chain starts sliding down. अब देखिए ना, this is a very very interesting problem. In fact, यह problem इसलिए interesting है क्योंकि इसमें अब center of mass और center of mass के determination का भी concept apply होने लगा है. इस जगह पर हमें differential element choose करना होगा, उसे integrate करना होगा और उसे इंटीग्रेट करके चेन के सेंटर ऑफ मास का हाइट डिटरमाइन करना हो. बड़े ध्यान से प्रॉब्लम को पढ़ें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को बड़े ध्यान से देखें बिकॉज इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस. हमें डिफरेंशियल एलिमेंट भी चूज करना है और उसे इंटीग्रेट भी करना. इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, क्यों ना पहले तो हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को सोच लें. क्योंकि चेन की लेंथ एल दे रखी है और वह जो चेन की लेंथ है वह आर्क लेंथ हो जाएगी और यह रेडियस आर दे रखा है. तो मैं कहूंगा वेयर theta would be equal to L upon R. Theta is equal to L upon R. तो जब हम integrate करेंगे तो integration की जो limits apply करेंगे उसमें हम theta जो भी कुछ variable लेंगे, let us say हमने alpha variable लिया, तो उस लिमिट्स को हम जीरो से थीटा तक ले लेकर जाएंगे. या क्यों ना हम इस एंगल को थीटा के बजाय अल्फा से डिनोट करते हैं तो हम वेरिएबल को थीटा ले एंगल मैं अल्फा से डिनोट कर देता हूं और कह देता हूं अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन. सबसे पहले मैं कांस्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मास पर यूनिट लेंथ. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ इंट्रोड्यूस कर देता हूं. एम अपॉन एल. नाउ व्हाट आई डू इज मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस स्फीयर के सेंटर के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन करनी है. तो मैं सेंटर को ही क्यों ना ओरिजिन बना देता हूं और जो भी कुछ मेजरमेंट है वह आप सेंटर के रेस्पेक्ट में करूंगा. मैंने यह एक चूज करा. आई विल चेंज द कलर ऑफ द चॉक. कर रहा
यह डिफरेंशियल एलिमेंट वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पर है और डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है. सबसे पहले इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ डीएल की लेंथ जो होगी डीएल एंड दैट वुड बी इक्वल टू आर डी थीटा. डीएल अपॉन आर इज डी थीटा, इज डीएल इक्वल टू आर डी थीटा. अब इसका मास कितना होगा डीएल? लेंथ इनटू इट्स लेंथ. यह डीएम मास हुआ. अब यह डीएम मास हाइट एच, अब मैं कहता हूं पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से डिनोट कर देता हूं. पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से डिनोट करता हूं. एम मास की पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच. पोटेंशियल मास लेता हूं हियर. This is an interesting concept क्योंकि potential energy एक scalar quantity है और इस potential energy का scalar addition करा जा सकता है. मैं वही काम कर रहा हूं, scalar addition कर रहा हूं, मतलब integration कर रहा हूं. कैसे? मैंने कहा मुझे पूरी chain की potential energy चाहिए. पूरी chain की potential energy लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैंने यह एक differential element ले लिया. differential element जिसका मास भी डिफरेंट, जिसका लेंथ भी डिफरेंशियल है डीएल, और उस डिफरेंशियल लेंथ एल के लिए एक्सप्रेशन लिखा. जिसका मास भी डिफरेंशियल है डीएम, उस डिफरेंशियल मास के लिए एक्सप्रेशन लिखा. उस डिफरेंशियल मास के एक्सप्रेशन को सही तरीके से लिखा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और फिर ये जो डिफरेंशियल मास है इसकी हाइट हमने देखी. हाइट कहां से देखना है? रेफरेंस पॉइंट से. हमें उन्हें रेफरेंस दे दिया, उन्हें कहा रेफरेंस सेंटर. तुमने उस रेफरेंस से इस डिफरेंशियल मास की हाइट देखी, वर्टिकल हाइट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हम वर्टिकल हाइट मेजर करते. तो ये वर्टिकल हाइट हमने इसकी देख ली h, और फिर हमने कहा कि किसी भी मास m का पोटेंशियल एनर्जी होती है u. तो dm मास की पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंशियल मास की पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंशियल du, du इंटू dmgh. दिस इज इंपॉर्टेंट कांसेप्ट. अब मैं डीएम की जगह डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और एच की जगह एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. इस तरह से डी यू इज इक्वल टू एम आर अपॉन एल इंटू डी थीटा इंटू जी इंटू एच की जगह पर आर कॉस थीटा. अब देखिए U, U is a potential energy, is a scalar quantity, and as I told you, it can always be scalarly added. Yes, U must be integral of du, integral of m r square g by l, m r square g by l cos theta डी थीटा. इसे इंटीग्रेट करते समय हम कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज को पहले बाहर निकाल दें, फिर लिमिट्स लिख दें. यू इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर बाय एल इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा. थीटा की लिमिट्स क्या होनी चाहिए जरा देख लीजिए. द लिमिट्स ऑफ थीटा
जो हम पहला एलिमेंट लेंगे वह जीरो थीटा पर लेंगे और जो आखिरी एलिमेंट लेंगे वो अल्फा एंगल पर. तो जीरो से अल्फा कॉस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा. तो मैं यू लिखता हूं एम जी आर स्क्वायर बाय एल, एम जी आर स्क्वायर बाय एल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया साइन थीटा और लिमिट्स जीरो से अल्फा. लिमिट्स एड एंड पुट कर दें एम जी आर स्क्वायर बाय एल इंटू साइन अल्फा माइनस साइन जीरो डिग्री. साइन जीरो डिग्री इज जीरो सो पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी एम जी आर स्क्वायर बाय एल इंटू साइन अल्फा. दिस इज द वे वी विल राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अवर सिस्टम इनिशियली. इनफैक्ट ये जो पहला पार्ट हमने करा है यही पार्ट अब काम आएगा अगले पार्ट को करने के लिए. इसके बाद उन्हें क्या कहा है, सपोज द चेन इज रिलीज्ड एंड स्लाइड डाउन द स्फीयर विथ फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट हैड स्लाइड थ्रू एन एंगल ऑफ अल्फा. अब मैं कलर चेंज करके इस प्रॉब्लम को करूंगा. इस चेन को टॉप से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, अब ये नीचे गिरने लगी और जब यहां नीचे गिरने लगी तो थीटा एंगल से गिर गई. थीटा एंगल से गिरने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हम कहेंगे अब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हमें वंस अगेन एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा. सबसे पहले थीटा एंगल से गिरने के बाद जो स्थिति बनेगी उसको दिखाता हूं. ब्लू कलर चौक ले लेता हूं इधर और एक इस तरीके से मैं इसको दिखाता हूं. यह थीटा एंगल से गिर चुकी है और दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द चेन. अब थीटा एंगल से गिरने के बाद यह चेन इस तरह से नीचे स्लाइड भी होती जा रही है इसके पहले लिखी हुई ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है. अब हम कहेंगे इनिशियली तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, इनिशियली तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी और वह इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन भी हमने लिख रखा है. थीटा एंगल से स्लाइड होने के बाद वहां पर फाइनली पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी. और यह काइनेटिक एनर्जी तो हमें डिटरमाइन करनी है, यह हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखी है और यह इधर लिखी भी हुई है. हमें अब इस पार्ट में बी पार्ट में अब जो लिखना है वह फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है. मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं जिसको मैं यूएफ कहूंगा. अब यूएफ लिखने के लिए यह सारे कंसेप्ट तो ऐसे कैसे ही लगेंगे, यहां से यहां तक यह कंसेप्ट भी, यह कंसेप्ट भी, यह एक्सप्रेशन भी ऐसा का ऐसा ही लगेगा. बस फर्क आएगा तो किस चीज में, लिमिट्स में फर्क आ जाएगा, सिर्फ लिमिट्स में फर्क आएगा. हम कहेंगे इट्स इंटीग्रल ऑफ du फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में लिख रहा हूं और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए यह एक्सप्रेशन ऐसा का ऐसा ही m g r स्क्वायर बाय l इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा. और इस बार लिमिट्स क्या हो जाएंगी थीटा की, थीटा की लिमिट्स हो जाएंगी. अब वो थीटा एंगल से स्लाइड कर चुकी है तो थीटा इनिशियल एंगल इज थीटा
and final angle is theta plus alpha. So this would become mg r square by l into sine theta, where the limits of theta is from theta to theta plus alpha. So final potential energy जो अब मुझे दिखने लगेगी, that is mg r square by l into sin theta plus alpha minus sin theta. This is the final potential energy. मैं यहां लिखूंगा. अब मैं यहां कंसेप्ट लगा देता हूं, यहां कंसेप्ट लगा देता हूं. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैं लिख देता हूं mg r square by l into sin alpha. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने एक्सप्रेशन लिखी दिया है mg r square by l into sin theta plus alpha minus sin theta plus जो काइनेटिक एनर्जी हमें डिटरमाइन करनी है, जो पूछी गई है. अब यह फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ चुका है. This is the final kinetic energy of the system when it had slided through the angle of theta. Sin alpha plus sin theta minus sin theta plus alpha. This is the final kinetic energy. This is the answer of part B. अब उन्हें C part भी दिया. Find the tangential acceleration of the chain when the chain starts sliding down. मैं 3 से 4 मिनट का समय अभी आपको दूंगा. क्या C part आप इसी समय सोचकर लिखकर बताओगे? वंस अगेन, इतनी बात समझने के बाद मैंने ये सारी बात समझाई है. अब सी पार्ट में एक अलग ही कंसेप्ट, एक अलग ही एप्लीकेशन है. क्या इसी समय वह कंसेप्ट, वह एप्लीकेशन आप अभी सोचकर मुझे बताओगे? फाइंड द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन. इसी समय ये सारी चीजें देखो. सी पार्ट पर अभी अटेम्प्ट लगाओ. देखिए, मैं जो उन्हें पूछा है उसको करने का तरीका बताता हूं. डेफिनेटली शायद हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, मगर वो कैसे लिखेंगे वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है. उन्हें पूछा है सी पार्ट में, जैसे ही हमने चेन को रिलीज करा तो रिलीज करते से ही उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, डीवी बाई डीटी क्या होगा. देखिए, मैं काइनेटिक एनर्जी का यह जो एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन, इसे इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि यह मैंने ऑलरेडी डिटरमाइन करके रख रखा है. तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस्तेमाल करता हूं और काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं. फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच वुड बी हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर बाय एल इंटू साइन अल्फा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा. अल्फा की वैल्यू एल बाय आर है और इधर से हमने लिख दिया एम से एम कैंसिल्ड, वी स्क्वायर इज टू जी आर स्क्वायर बाय एल इंटू साइन अल्फा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा. अब देखिए,
In order to determine dv by dt, I differentiate this expression. Now, this here we need the applied concept of differential calculus. ये जो concept है वाकई में अभी आप लोगों का पढ़ा हुआ सीखा हुआ नहीं है और शायद एकदम से इसलिए आप अभी नहीं कर पा रहे हो. मगर जब आप 12th स्टैंडर्ड में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लोगे तो वहां पर ये बड़ा साधारण सा कंसेप्ट हो जाता है, बड़ी आसानी से आप 12th के बाद एकदम से कर पाते हैं. हम इसे डिफरेंशिएट इस तरह से करते हैं, पहले हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वी स्क्वायर का डिफरेंशियल हम 2v इंटू डीवी बाई डीटी लिखते हैं, 2v इंटू डीवी बाई डीटी, वी स्क्वायर का 2v और टाइम के रेस्पेक्ट में फिर डीवी बाई डीटी, क्योंकि हमने पहले v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा और इधर भी इसी तरह से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. तो 2gr स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अपॉन l कांस्टेंट है, साइन अल्फा का डिफरेंशियल जीरो हम कहेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशियल हम कहेंगे cos थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा का cos थीटा प्लस अल्फा इंटू डी थीटा बाय डीटी. अभी तक हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, cos थीटा प्लस अल्फा इंटू डी थीटा बाय डीटी. हम यह बात लिख देते हैं, इधर हमने v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो आगे dv बाय डीटी लिख दिया, इधर हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो आगे d थीटा बाय डीटी लिख दिया. हम इस तरह से लिख देते हैं. अब इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट, d थीटा बाय डीटी, थीटा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, d थीटा बाय डीटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, थीटा इज द एंगल विथ वर्टिकल एंड d थीटा बाय डीटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा, बट दिस ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r. तो इस तरह से अब यह जो एक्सप्रेशन है हम इसे दोबारा लिखते हैं, हम इसे दोबारा इस तरह से लिखेंगे, टू वी इंटू डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू टू जी आर स्क्वायर बाय एल इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा और डी थीटा बाय डीटी की जगह वी बाय आर. V से 2 काट दें, V से V काट दें और एक R से एक R को काट दें और इस तरह से dV by dt हमारा हो जाता है, dV by dt के लिए एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाता है. और अब इनिशियल dV by dt निकालने के लिए यह dV by dt अब हमें दिखने लगता है GR upon L इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा. नाउ फॉर इनिशियल कंडीशन जो हमने पूछा है, एट इनिशियल कंडीशन थीटा इज जीरो and cos theta is 1 and cos of theta plus alpha is cos alpha. So dv by dt not, main initial condition bol deta hu, it's gr by l into cos theta ki jagah 1 minus cos alpha. This is the answer. ध्यान से देखिए. नाउ
let's start reading 64th problem. A smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line with constant acceleration a. This is a smooth sphere of radius r. Radius r और इसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ट्रांसलेट कर रहा है. पार्टिकल केप्ट ऑन टॉप ऑफ ए स्फीयर इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर एट जीरो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर. फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा. जब इसको हम रेस्ट पर रिलीज करेंगे तो यह स्फीयर एक्सीलरेट कर रहा है. जरा सोचिए, एक एक्सीलरेट करता हुआ स्फीयर इस पर जब पार्टिकल रेस्ट पर छोड़ा जाए तो ये किस तरफ गिरना चालू होगा. यह आगे की तरफ कभी नहीं गिरेगा, ये इनफैक्ट पीछे की तरफ गिरेगा इनर्शिया की वजह से. और इनर्शिया की वजह से यह इस पॉइंट तक आकर इस तरह से कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा. और उनने स्फीयर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछी हुई है जब यह थीटा एंगल से गिर जाएगा. स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेड टू ट्रांसलेट इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट ए. पार्टिकल इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ स्फीयर रिलीज्ड फ्रॉम देयर एट जीरो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर. फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा. देखिए, हर जगह पर उनने विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर लिख दिया. जब हमें सारा काम विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर करना है तो स्फीयर को हमें रेफरेंस बना देना चाहिए. और अब हम देख रहे हैं कि हमारा रेफरेंस ही एक्सीलरेट कर रहा है. हमारा रेफरेंस एक्सीलरेट कर रहा है. यदि रेफरेंस एक्सीलरेट कर रहा है तो वह नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ. मैं इस बात को लिखूंगा, अवर रेफरेंस फ्रेम इज स्फीयर इटसेल्फ एंड इट इटसेल्फ इज एक्सीलरेटेड एंड इट सेल्फ इज एक्सीलरेटेड. ये स्वयं एक्सीलरेट हो रहा है. Hence, it's a non-inertial reference frame. इसलिए इसे हम non-inertial reference frame कहेंगे. Hence, it's a non-inertial reference frame. Let's recall the definition of non-inertial reference frame. Any reference frame which itself is accelerated is called a non-inertial reference frame. कोई सा भी reference frame जो स्वयं ही accelerated हो उसे हम non-inertial reference frame कहते हैं. अब non-inertial reference frame में काम करने का एक साधारण सा concept है. जब उसके respect में हम किसी भी body को देखते हैं तो हम हर एक particle पर pseudo force लगा देते हैं. हम कहते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में काम करने के लिए हमें जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में सुडो फोर्स लगा देना चाहिए. एम इज मास ऑफ पार्टिकल. And A is acceleration of the sphere. MA is pseudo force on the particle. और यह pseudo force particle पर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम non-inertial reference frame के respect में काम कर रहे हैं.
हम कहते हैं जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्लो फोर्स लगाई जाती है। वो स्लो फोर्स कितनी होती है? मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। हम कहते हैं यह स्लो फोर्स इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में दिखाई देगी। अब इसके अलावा, इस स्लो फोर्स के अलावा वहां एक फोर्स और है mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा ही। अब हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस वर्क एनर्जी थ्योरम से हम कहेंगे वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्लो फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय mg इज mg इंटू h, वर्क डन बाय स्लो फोर्सेस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। अब हम कहते हैं दिस इज h एंड दिस इज l। हाइट h इज mg की डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना वो गिरा है, तो दिस हाइट h इज r माइनस r cos थीटा। स्यूडो फोर्स ma एंड दिस लेंथ l इज एम, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना है। एल इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज आ साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। थ्रू आउट एम काट सकते हैं हम और वी स्क्वायर हमें देखने लगता है टू जी आर इन टू वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू ए आर इन टू साइन थीटा। हमसे शायद वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू स्फीयर इज टू जी आर इन टू वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू ए आर इन टू साइन। This is the velocity of particle with respect to sphere. बड़े ध्यान से application को भी देखें। आप एक बात देखें, HCV के अभी तक के सारे problem में अलग अलग problems में अलग अलग concept को, अलग अलग applications को समझाने का प्रयास करा गया है। इधर एक non-inertial reference frame, वो non-inertial reference frame के respect में velocity, pseudo force का application इसमें आया। आफ्टर सॉल्विंग एचसीवी मैं स्टडी पैकेज के यह चार प्रॉब्लम जो मेरे पास डाउट आए मैं इनको सॉल्व करता हूं। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में से सेकेंड, इलेवेंथ और थर्टेंथ और सेवेंटेंथ, इसी समय आप इन प्रॉब्लम्स पर अटेम्प्ट लगाओ। इनफैक्ट अधिकतर प्रॉब्लम्स आई आई टी जेई में आए हुए प्रॉब्लम्स है।
मैं कहूंगा कि हर एक प्रॉब्लम पर तीन चार मिनट का पहले आप अटेम्प्ट लगाओ. मैं हर 5 मिनट के बाद एक प्रॉब्लम आके सॉल्व कर दूंगा, हर 4-5 मिनट के बाद एक प्रॉब्लम आके सॉल्व कर दूंगा. मैं ठीक से 4 से 5 मिनट दे रहा हूं, सेकेंड प्रॉब्लम अभी अटेम्प्ट लगाओ. आप लोग साथ में बैठे हुए डिस्कशन करो कि क्या करना होगा. कई बार हम अकेले जो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिस्कस करते हुए उसको सॉल्व कर लेते हैं. इसी समय सेकेंड प्रॉब्लम करो. थर्ड भी करेंगे, सेकेंड वाले प्रॉब्लम. इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम. इनफैक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. यह लेंथ l के स्ट्रिंग और यह ऑब्जेक्ट मास. एंड अ वेरिएबल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करा गया एंड इट्स वेरिएबल फोर्स. On it, which start at zero velocity, or the zero velocity se start karta hai, and gradually increases until the string makes an angle theta with vertical. Find work done. बिल्कुल सिंपल सी बात है. वर्क एनर्जी थ्योरम सीधा सीधा लगाना है. एंड वर्क एनर्जी थ्योरम सेज वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. वर्क एनर्जी थ्योरम सीधा सीधा लगाना है. वर्क डन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. वह पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है. वहां पर चेंज आ रहा है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में. वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय फोर्स इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन बाय फोर्स इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज mg. ये कितना हाइट ऊपर गया, L माइनस L cos थीटा. पोटेंशियल एनर्जी जीरो. सो वर्क डन बाय फोर्सेस mg L इनटू 1 माइनस cos थीटा. थर्ड प्रॉब्लम वो हम पहले करते हैं. A bus of mass 1000 kg has an engine which produces a constant power of 50 kilowatt. Mass दे रखा है, mass is 1000 kg, power दे रखा है, it's 50 kilowatt, means 50 into 10 to the power 3 watt or 50 into 10 to the power 3 joules per second. If resistance to motion, assume constant as 1000 newton, जो force उस पर लग रहा है, which is air resistance, air का जो resistive force है, वो 1000 newton. Find the maximum speed at which bus can travel on a level road and the acceleration when it's traveling at 25 मीटर्स पर सेकेंड. देखिए सबसे पहले तो मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी पार्ट ए. हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी वुड बी जब पूरी तरह से जो उस पर जो पावर डिलीवर हो रहा है वो रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है. हम कहते हैं पावर इज एफ डॉट वी. पूरी तरह से जितना ही पावर डिसिपेट हो रहा है वह रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है. तो पावर की जगह पर मैं लिख देता हूं 50 इंटू 10 टू दी पावर 3. रेजिस्टिव फोर्स इज 1000. दिस इज मॉड एफ मॉड वी कॉस थीटा.
तो खास बात जो गाड़ी है उस पर रेजिस्टिव फोर्स पीछे की तरफ, उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ, किसी तरह से उसको फोर्स आगे की तरफ लगाना होगा और जितना रेजिस्टिव फोर्स है उतना ही उसको आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाना होगा। तो फोर्स 1000 न्यूटन, वेलोसिटी हमें निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, थीटा इज 0, कॉस थीटा इज 1, तो जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी दैट इज 50 meters per second। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच दिस कार कुड ट्रेवल। अब आप सोचिए कि जनरली कार पर जो लिखा हुआ होता है कि इस कार का पावर कितना है, और फिर उसके अंदर जो एक स्पीडोमीटर बना हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल मारुति 800, मारुति 800 का मतलब है इट हैव गॉट पावर ऑफ 800 HP, 800 horsepower। कुछ उससे आप रिलेट कर सकते हो, मतलब वो इतना पावर डिलीवर कर सकती है 800 × 746 W। तो उसकी वेलोसिटी की एक मैक्सिमम वैल्यू फिक्स हो गई, उससे ज्यादा वेलोसिटी से वो कार ट्रेवल कभी कर ही नहीं सकती। जितनी ज्यादा कार पावरफुल है, जितना अधिक कार पावर डिलीवर करती है उतनी ही अधिक उसकी वेलोसिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सचिन की फरारी, इट हैव गॉट मैक्सिमम पावर, सबसे अधिक पावर डिलीवर करती है, तो सबसे अधिक पावर डिलीवर करती है इसलिए उसकी वेलोसिटी सबसे अधिक हो सकती है। वी यूज्ड टू से पावर डिलीवर्ड बाय इंजन, ये पावर इंजन डिलीवर कर रहा, ये पावर इंजन कैसे डिलीवर कर, अपने अंदर पेट्रोल को जलाकर, इंजन अपने अंदर पेट्रोल को जला रहा है, उससे एनर्जी एक्वायर कर रहा है, उस एनर्जी को वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के रूप में डिलीवर कर रहा है। यह कार जब चलती है तो हर एक सेकेंड में 50 kJ एनर्जी डिलीवर करती है। इस 50 kJ एनर्जी को डिलीवर करके यह एनर्जी रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट उस कार को कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलाती है और मैक्सिमम इस वेलोसिटी से चला सकती है। फाइन मैक्सिमम स्पीड एट विच बस कैन ट्रेवल ऑन द लेवल रोड एंड एक्सीलरेशन व्हेन इट इज ट्रेवलिंग एट 50 meters per second। अब देखिए 25 meters per second। अब हम कहते हैं जब वह 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो पावर डिसिपेट कितना हो रहा है, पावर जो डिसिपेट हो रहा है मैं कहता हूं इनपुट पावर इज 50 × 10³ W। ये तो इनपुट पावर है जो इंजन से उसको मिल रहा है, और डिसिपेटेड पावर पावर डिसिपेट हो रहा है 0.V मीटर पर सेकेंड, और ये डिसिपेट हो रहा है हेंस नेगेटिव, इतना पावर डिसिपेट हो रहा है। अब बाकी का पावर उसके पास बच रहा है, तो यह जो पावर है यह उसको एक्सीलरेट करने के काम में आ रहा है, ये उसे एक्सीलरेट कर रहा है। अब वो एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाए, हम कहेंगे
इनपुट पावर माइनस डिसिपेटेड पावर। Is equal to ये उसको एक्सीलरेट करेगा मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेटली दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू वेलोसिटी। मास इनटू एक्सीलरेशन इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जिसकी वजह से वो एक्सीलरेट होएगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। और इसको मैं लिख दूंगा मास की जगह 1000, एक्सीलरेशन मुझे निकालना है, वेलोसिटी इज 25। सो this got cancelled and acceleration is 1 meter per second square. This is third problem. अब इसी समय 10th भी एक बार करके देख लो, फिर 11th करता हूं। A 20 gram bullet pierces through a plate of mass M1 equal to 1 kg and then comes to rest inside a second plate of mass M2 as shown in figure. It is found that two plates initially at rest now moves with equal speed, equal velocities. Find the percentage loss in initial velocity of the bullet when it is between M1 and M2. Neglect any loss of material of plates due to action of bullet. In fact, यह problem momentum and its conservation principle पर है और इस problem को हमें वाकई में अभी तो hold करना चाहिए क्योंकि मैंने center of mass करा दिया है और उसके बाद मैं momentum conservation principle कराने वाला हूं और मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल में यह प्रॉब्लम दोबारा रिपीट होएगा। मैं इस प्रॉब्लम को अभी होल्ड ही कराऊंगा। हम 13 प्रॉब्लम। टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन। ब्लॉक बी स्लाइड्स ओवर हॉरिजॉन्टल टॉप सरफेस ऑफ स्टेशनरी ब्लॉक सी in block A slides along vertical side of C both with same uniform speed. The coefficient of friction between surface and the block is 0.2. The constant, the force constant of spring is this. If mass of block A is 2 kg, calculate mass of block A is 2 kg. Calculate mass of block B and energy stored in the spring. मैं मोमेंटम के बाद ही कराता हूं इन प्रॉब्लम्स को। मैं अभी कराने के बजाय